Hi everyone. So today we are going to learn about vowels. There are five main vowels A, E, I, O, U. So अब हम O, O का word बनाने जा रहे हैं. Different sounds of vowel O. O से कौन सा word बनता है. यहाँ पे here are some examples. Oval, boat. ओ ओ वी एल ओवल है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट में ओ लिखा है, ओ का वर्ड बना है ओवल. ये ओवल का शेप है. एक फॉर एग्जांपल एक एक जो अंडा है वो ओवल शेप का होता है. बोट बी ओ ए टी बोट, इसमें भी सेकेंड में ओ लगा हुआ है, सेकेंड लेटर ओ है बोट. बॉक्स ओ बीच में ओ बी ओ एक्स बॉक्स. कौन सी ओ ए नी कौन, ये कौन शेप का है. रोज आर ओ ए सी रोज, ओ लगा हुआ है यहाँ पे. रोज मीन्स गुलाब. राइट फाइव ओ साउंड वर्ड्स. अब ओ बीच में या फिर फर्स्ट में लास्ट में ओ लगा के हम लोगों को वर्ड बनाना है, एक शब्द बनाना है. एग्जाम्पल ओ एन ई वन, वन में भी ओ आया फर्स्ट में. जेड ई आर ओ जीरो में भी ओ आया. फ्लावर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर में भी ओ आया. बी ओ एक्स बॉक्स, बॉक्स में भी ओ आया. आर ओ सी के रॉक, रॉक मीन्स पत्थर, रॉक में भी ओ आया है. Make two words from each. यहाँ पे जो word दिया गया है first में, ये इस word से इससे हम दो दो words बनाएंगे. इसमें आगे कुछ जोड़ के या फिर पीछे जोड़ के हम लोग word बनाएंगे, ठीक है. For example bow, b o double bow, ये o है ना, तो इसके आगे b लगा के हमने bow बनाया है. इसके आगे r लगा के हमने row बनाया है. o b o, इसमें भी हमने R आगे लगा के रोप बनाया है. इसमें J O B जॉब, आगे J लगा के. O Y O बीच आगे B O Y बॉय, B लगा के हमने बॉय बनाया. T लगा के टॉय. O C K में आगे R लिखकर रॉक बनाया. C लिखकर कॉक बनाया. O डबल O बो रो R O B रॉप जॉब. O I boy toy, O C K rock cock. Do yourself, यह आपको खुद करना है. O W, इसमें हम क्या करेंगे. O W L owl, लास्ट में L लिखकर हम लोग owl बनाएंगे. O B, O B है ना, तो इसमें हम O B E Y obey. ओ बी के पीछे ई वाई लगा के हम ओ बे भी लिख सकते हैं, या फिर आगे प्रॉप आगे आर भी लिख सकते हैं. सी ओ डब्ल्यू काउ भी लिख सकते हैं, इसमें आगे सी लगा के काउ भी लिख सकते हैं. ओ वाई बी ओ वाई बॉय, टी ओ वाई टॉय. ओ सी के में हम लोग को लगाएंगे सी ओ सी के कॉक. पिकॉक में भी हो सकता है पी ई ए सी ओ सी के पिकॉक. यूजेस ऑफ ऑन इन एंड अंडर. ऑन इन अंडर हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो अब हम देखेंगे. ऑन मीन्स पर, इसके ऊपर. सपोज पेन, बुक कॉपी के ऊपर पेन है. द पेन इज ऑन द कॉपी, मतलब पेन कॉपी के ऊपर है. इन मीन्स अंदर. ये कवर है, दिस इज योर कवर. Cover is in my hand, फिर inside my hand. And under means
नीचे, कॉपी के नीचे पेन है, पेन इज अंडर द कॉपी। द फिश इज डैश द नेट, द फिश इज फिश, नेट के कहाँ पे है, अंदर है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इन, द फिश इज इन द नेट। द बॉल इज डैश द मैट, बॉल मैट के ऊपर है, तो हम लोग यूज करेंगे, वी विल राइट ऑन। द कार इज डैश द ब्रिज, कार ब्रिज के नीचे है, वी विल यूज अंडर। द फिश इज इन द नेट, फिश नेट के अंदर में है, फिश नेट के अंदर है। द बॉल इज ऑन द मैट, बॉल मैट के ऊपर है। द कार इज अंडर द ब्रिज, कार ब्रिज के नीचे है, अंडर। यूजेस ऑफ ए एंड एन, अब हम ए कब यूज करेंगे एंड एन कब यूज करेंगे, जब भी कुछ वॉवेल, अगर वहां पे वॉवेल है, सपोज ए ई आई ओ यू वॉवेल है, तो इस जहां पे वॉवेल है उसके आगे हम लोग यूज करना है एन, और जहां पे कॉन्सोनेंट है वहां पे उसके आगे हम लोग को यूज करना है ए। आई हैव डैश पेन, पी वॉवेल है, नो पी इज नॉट अ वॉवेल, सो हम लोग यूज करेंगे ए। आई हैव अ पेन। दिस इज डैश आइसक्रीम, ये आइसक्रीम है, आई आई वॉवेल है, आई वॉवेल है, हम लोग यहाँ पे लिखना है एन। दिस इज एन आइसक्रीम। आई हैव डैश अम्ब्रेला, मेरे पास अम्ब्रेला है, यू यू वॉवेल है, यू वॉवेल है, यहाँ पे हम लोग यूज करना है आई हैव एन अम्ब्रेला। सी हैज डैश ब्यूटिफुल ड्रेस, उसके पास बहुत सुंदर ड्रेस है, बी वॉवेल है, नो आई हैव अ, सी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। दैट इज डैश चेयर, सी वॉवेल है, नो दैट इज अ चेयर। आई हैव अ पेन, दिस इज एन आइसक्रीम। I have an umbrella. She has a beautiful dress. That is a chair. Hello students, welcome to the online class. Online class में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो जो कि पार्ट टू की थी उसको देखा, आज हम क्या देखेंगे, पार्ट थ्री। तो आते हैं, इसमें क्या है, ई की मात्रा वाले पांच शब्द लिखें। छोटी है ना, कौन सी है, ये छोटी वाली, ठीक है, इसी की मात्रा से हमको पांच शब्द लिखना है और उसका फिगर भी बनाना है। जैसे कि क्या है, ये ग, ग में छोटी की मात्रा है ना, तो क्या हुआ, गी ला स, गिलास, और यहाँ पे हम लोग का फिगर क्या है, ये गिलास, ठीक है। वैसे ही आपको छोटी की मात्रा से और भी शब्द लिखने हैं और उसका फिगर भी बनाना है यहाँ पर, ठीक है। आप इसे होमवर्क के लिए जो दिया गया है उसको बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या है, ई की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करें। छोटी है ना, ये जो शब्द दिए हुए हैं उसमें छोटी ई की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करना है। जैसे कि क्या है, ह र र, क्या हुआ, हरण, तो हम लोग ह में छोटी की मात्रा लगा देंगे। जैसे ये यहाँ पे लगा दिए तो क्या हुआ, ही र ड, हिरण हो गया ना। वैसे ही ये क्या है, क ला, तो क में हम लोग छोटी की मात्रा लगा देंगे यहाँ पर ऐसे, तो क्या हो जाएगा, कीला। वैसे ये सब जो शब्द हैं, जैसे कि चमटा, चमटा है ना, इसमें च में हम लोग छोटी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ची म टा, चिमटा। वैसे ही इसमें बा रस, बारस है ना, तो क्या लगा देंगे हम लोग, बा री स, हो गया ना, बारिश। वैसे ये शब्द जो भी है उस सब में हम लोग छोटी की मात्रा लगाकर और नया शब्द को बनाते जाएंगे, शब्द को सही करते जाएंगे, ठीक है। ये जो बाकी है उसको आप लोग घर पे करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, सही शब्द से खाली स्थान भरिए।
जो शब्द दिए हुए हैं उसे खाली स्थान को भरना है। जैसे क्या है ये, रोहन खाली स्थान मत पकड़, रोहन खाली स्थान मत पकड़। और ये दो आपके क्या हैं, ऑप्शंस हैं। इसी में से देकर खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। तो क्या, रोहन मत पकड़, क्या मत पकड़, तकिया और चिड़िया। तो रोहन क्या नहीं पकड़ेगा, तकिया नहीं, क्या नहीं पकड़ेगा, चिड़िया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, रोहन चिड़िया मत पकड़। आगे बढ़ते हैं, क्या है, डाकिया खाली स्थान लाया। डाकिया क्या लाता है, तो लिफाफा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाकिया लिफाफा लाया। आगे बढ़ते हैं, क्या है ये, रानी खाली स्थान पकड़। रानी क्या पकड़, चाकू नहीं, क्या पकड़, तितली। तो क्या लिखें हम लोग यहाँ पे, क्या लिखेंगे, रानी तितली पकड़। और भी जो है, सुहैल कलम से क्या कर, कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, सुहैल कलम से लिख। इसके बाद रोहित खाली स्थान उड़ा, क्या उड़ाते हैं, पंखा उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते, क्या उड़ाते हैं, विमान। तो क्या लिखें हम लोग, रोहन रोहित विमान उड़ा। ये जो है, जैसे राजा अपना क्या देख, किला देख। सोहन पत्र लिख, राजू किताब पढ़। ओके, तो ये जो हमने बताया उसको आप होमवर्क के लिए घर पे कॉपी में लिखेंगे। आगे क्या है, चित्र देखकर वाक्य पूरा करें। ये क्या है, राम, ये क्या है, गिलास, ये क्या है, ला। तो हम क्या लिखेंगे, राम गिलास ला। और है जैसे क्या है, रोहन, ये क्या है, किताब। और यहाँ पे पर, तो खाली स्थान में हम लोग क्या लिखेंगे, तो सोहन किताब पढ़। पूरा हो गया ना, ऐसे ही इसको लिखेंगे। जैसे श्याम चिड़िया मत पकड़, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्याम चिड़िया मत पकड़। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, विमान है, विमान है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सोहन विमान उड़ा। यहाँ पे क्या है, ये क्या हो रही है, बारिश। तो क्या लिखेंगे, वहाँ बारिश हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये हिरण है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे खाली स्थान में इसके जगह पे, तो राम हिरण मत मार। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आप इसे घर पे अच्छे से बनाते चले। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट यूजेस ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ओके, सो आज हम मैथ में पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो लेट्स बिगिन। आपका यहाँ पे फर्स्ट में एग्जांपल दिया है ग्रेटर देन का। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 9 इज़ ग्रेटर देन 7। जो ये 9 है वो 7 से बड़ा है। तो ये जो सिंबल देख रहे हैं ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ये जो ग्रेटर देन में आप जो ये सिंबल है, ये ओपन माउथ जो है, ये जो ओपन फेस है वो जो बड़ा नंबर है उसमें, उस साइड में होता है। ओके, तो ये 9 इज़ ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेटर देन इसका सिंबल लगेगा, जो ओपन फेस का सिंबल। लेस देन, तो लेस देन का सिंबल आप देख रहे हैं यही है। तो एग्जांपल में यहाँ पे दे रहे 4 और 6। तो ऑब्वियसली 4 तो 6 से लेस देन है, ये छोटा नंबर है, तो 4 इज़ लेस देन 6। ओके, तो ये जो सिंबल है, जो बैक साइड ये पिक पॉइंट है, वो होगा आपके 4 के साइड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये आपका 4 6 से कम नंबर है, तो ये इस साइड में फेस होगा इसका। इक्वल टू सिंबल है, ये जो दो पैरेलल लाइन में है वो है। एग्जांपल, जैसे 5 और 5 सेम नंबर है, तो सेम नंबर है तो यहाँ पे आपको इक्वल टू का सिंबल लगाना है यहाँ पे। ओके, जो सेम नंबर होता है तो ये इक्वल टू का नंबर आपको ऐड करना है। तो पुट सिंबल ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू इन द
कैप। तो ये आपको वर्ड फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर इज लेस देन सेवन, सो यहाँ पे लेस देन का सिंबल आपको लगाना है। सिक्सटीन और फिफ्टीन में कौन सा बड़ा नंबर है? सिक्सटीन, तो सिक्सटीन इज़ ग्रेटर देन फिफ्टीन, तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी एट और टू है, तो एट इज़ ग्रेटर देन टू, तो यहाँ पे आपको एट के साइड में ये जो फेस है इस साइड में होना चाहिए, ओपन फेस इस साइड में होना चाहिए। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए फोर्टीन और फोर्टीन, मैंने आपको यहाँ पे ऊपर क्या बोले थे, जब अगर वहाँ पे सेम नंबर है तो यहाँ पे कौन सा सिंबल होगा? इक्वल्स टू का सिंबल होगा। तो स्टूडेंट्स ये सब आपको फिलअप करना है। इसी तरह से आपको फिर से हम बता रहे हैं ग्रेटर देन का सिंबल है ये, जो ग्रेटर देन का सिंबल कैसे होता है कि जो ये ओपन फेस होता है, जो ये ओपन फेस होता है वो इस साइड में होता है, जो बड़ा नंबर साइड में होता है उस साइड में ये फेस होता है, और जो ये लेस देन में इसका फेस ये जो ये पॉइंट देख रहे हैं पिक पॉइंट वो इस साइड में होगा, ठीक है। और जो ये इक्वल्स टू में होगा आपका सेम नंबर है तो आपको इक्वल्स टू लगा के आपको फिलअप करना है, तो इसी तरह से आपको ये फिलअप करना है। ओके गाइज, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट प्लांट्स अराउंड अस। ओके, तो आज हम साइंस में पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स अराउंड अस, जो आसपास का हमारा जो प्लांट्स है पौधा है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। देर आर मेनी प्लांट्स अराउंड अस, सम आर वेरी बिग ट्रीज, सम आर टल, सम आर स्मॉल, सम आर वेरी स्मॉल। ओके, सो हमारे जो आसपास है बहुत सारा पौधा है। ओके, तो कोई पौधा बहुत बड़ा बड़ा है और कोई कोई लंबा लंबा और कोई कोई छोटा छोटा है। ओके, तो अपन थिक ट्री का मतलब होता है कि मोटा मोटा, जैसे कि एग्जांपल में है यहाँ पे नीम ट्री और बनियान ट्री। नीम ट्री भी देखे है होंगे आपने और बनियान ट्री भी देखे होंगे, जो नीम ट्री का जो साइज होता है वो मोटा मोटा होता है। ओके, और इसका जो नीम ट्रीज हैज़ ब्राइट लीव्स, जैसे कि नीम ट्री का जो लीव्स होता है वो ब्राइट होता है, और इसका जो हाइट होता है वो हाइट इसका 100 फीट इतना होता है, ठीक है। और जो नीम ट्री हम किस में यूज़ करते हैं कि जैसे कि हम मेडिसिन के तौरा भी मेडिसिन की उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें चिकन फॉक्स होता है उसमें भी हम नीम ट्री का यूज़ करते हैं, जैसे कि एक मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। ओके, और जो इसका जो हुड होता है वो हम क्या करते हैं कि फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। तो नीम ट्री का तो हो गया, जैसे कि नीम ट्री मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं और फर्नीचर के लिए भी यूज़ करते हैं। और है बनियान ट्री, और जो ये बनियान ट्री है, बनियान ट्री तो आप देखे होंगे कि इसका भी वो भी थिक होता है, और बनियान ट्री तो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और जो इसका लीव्स होता है वो 10 to 20 समथिंग सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जो ये बनियान ट्री का जो लीव्स होता है कहीं कहीं जगह पे उसमें कहीं कहीं जगह पे उसमें फुट है, जैसे कि प्लेट की तरह भी यूज़ किया जाता है। ओके, और जो इसका हुड होता है वो भी फर्नीचर और डोर समथिंग एक्सेट्रा ये सब में यूज़ करते हैं। और ऐसे ही नीम ट्री हो गया, बनियान ट्री हो गया, पीपल का भी पेड़ होता है वो भी लंबा लंबा होता है, ऐसे बहुत सारा है जो थिक ट्री में आता है, ठीक है। और टॉल ट्री में हम पढ़ेंगे कोकोनट ट्री और पाइन ट्री। जैसे कोकोनट है, जैसे नारियल का पेड़ तो देखे होंगे वो भी लंबा लंबा होता है, पाइन ट्री जो हिल एरिया में भी ज़्यादा होता है पाइन ट्री, ठीक है, ये ट्री होता है जो लंबा लंबा ट्री होता है। और स्मॉल ट्री में आता है कैक्टस, अशोका, आपने देखे होंगे कैक्टस, जैसे कि कैक्टस हम कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, ये डेजर्ट एरिया में, ठीक है। जैसे कि टाइप ऑफ प्लांट, ये
कैक्टस ऐसे टाइप का है प्लांट है. कैक्टस इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रोज इन हॉट ड्राई एरियाज. ओके स्पेशली डेजर्ट. आई मीन टू से मेरा मतलब है कि ये जो कैक्टस होता है वो डेजर्ट एरिया जैसे कि गर्मी और ड्राई एरिया में होता है. ओके और इसका जो स्टीम होता है वो थिक होता है और जो इसका थिक स्टीम होता है जो थिक और शार्प होता है. ठीक है और इसका इसके उसमें पिकल्स भी होता है जैसे कि पॉइंटेड होता है और इसमें लिप्स नहीं होता है. ओके वैसे ही जो अशोका ट्री लिखे है मैम ने वो भी जैसे कि अशोका ट्री ऐसा हो है जो ये भी मेडिसिन की तरह पे वो करते हैं यूज़ किया जाता है गायनोलॉजी ट्रीटमेंट जैसे होता है वैसे इसमें अशोका ट्री का वो किया जाता है यूज़ किया जाता है. और नेक्स्ट है हमारा स्मॉल प्लांट. स्मॉल प्लांट में तो आपका आ गया रोज़ सनफ्लावर ये सब स्मॉल स्मॉल जैसे कि ये तो पेड़ तो बड़ा बड़ा होता है और ये तो छोटा छोटा है फ्लावर है तो ये स्मॉल प्लांट्स में आता है. ओके और जो ये वेरी स्मॉल प्लांट्स में है जो आपने ज़मीन पे जो छोटा छोटा ग्रास देखे है उसको वेरी स्मॉल उसको उसको वो भी प्लांट ही है पर वेरी स्मॉल. ओके तो इसी तरह से आपको गिव एग्जांपल ऑफ थिक ट्री स्मॉल ट्री वेरी स्मॉल ट्री. थिक ट्री में आपको यहाँ पे दे दिया है बनियान ट्री और नीम ट्री दे दिया है आपको दो और ऐड करना है. स्मॉल ट्री में भी वही है आपको दो ऐड करना है और वेरी स्मॉल में भी आपको दो ऐड करना है. यहाँ पे दो दो एग्जांपल दे दिया है और आपको और दो ऐड करना है एग्जांपल के उसमें ये आपका वर्क है. ठीक है तो आज हमने प्लांट्स अराउंड अस पढ़े हैं तो आप इसको लर्न कीजिए घर पे. ओके बाय बाय. ट्री जैसे कोकोनट है जैसे नारियल का पेड़ तो देखे होंगे वो भी लंबा लंबा होता है. पाइन ट्री जो हिल एरिया में भी ज़्यादा होता है पाइन ट्री. ठीक है ये ट्री होता है जो लंबा लंबा ट्री होता है. और स्मॉल ट्री, स्मॉल ट्री में आता है कैक्टस अशोका आपने देखी होंगी कैक्टस. जैसे कि कैक्टस हम कहाँ पे ज़्यादा मिलता है ये डेजर्ट एरिया में. ठीक है जैसे कि टाइप ऑफ प्लांट ये कैक्टस ऐसे टाइप का है प्लांट है. कैक्टस इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रोज इन हॉट ड्राई एरियाज. ओके स्पेशली डेजर्ट. आई मीन टू से मेरा मतलब है कि ये जो कैक्टस होता है वो डेजर्ट एरिया जैसे कि गर्मी और ड्राई एरिया में होता है. ओके और इसका जो स्टीम होता है वो थिक होता है और जो इसका थिक स्टीम होता है जो थिक और शार्प होता है. ठीक है और इसका इसके उसमें पिकल्स भी होता है जैसे कि पॉइंटेड होता है और इसमें लिप्स नहीं होता है. ओके वैसे ही जो अशोका ट्री लिखे है मैम ने वो भी जैसे कि अशोका ट्री ऐसा हो है जो ये भी मेडिसिन की तरह पे वो करते हैं यूज़ किया जाता है गायनोलॉजी ट्रीटमेंट जैसे होता है वैसे इसमें अशोका ट्री का वो किया जाता है यूज़ किया जाता है. और नेक्स्ट है हमारा स्मॉल प्लांट. स्मॉल प्लांट में तो आपका आ गया रोज़ सनफ्लावर ये सब स्मॉल स्मॉल जैसे कि ये तो पेड़ तो बड़ा बड़ा होता है और ये तो छोटा छोटा है फ्लावर है तो ये स्मॉल प्लांट्स में आता है. ओके और जो ये वेरी स्मॉल प्लांट्स में है जो आपने ज़मीन पे जो छोटा छोटा ग्रास देखे है उसको वेरी स्मॉल उसको उसको वो भी प्लांट ही है पर वेरी स्मॉल. ओके तो इसी तरह से आपको गिव एग्जांपल ऑफ थिक ट्री स्मॉल ट्री वेरी स्मॉल ट्री. थिक ट्री में आपको यहाँ पे दे दिया है बनियान ट्री और नीम ट्री दे दिया है आपको दो और ऐड करना है. स्मॉल ट्री में भी वही है आपको दो ऐड करना है और वेरी स्मॉल में भी आपको दो ऐड करना है. यहाँ पे दो दो एग्जांपल दे दिया है और आपको और दो ऐड करना है एग्जांपल के उसमें ये आपका वर्क है. ठीक है तो आज हमने प्लांट्स अराउंड अस पढ़े हैं तो आप इसको लर्न कीजिए घर पे. ओके बाय बाय.